आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मिले मुझे कि मैंने पहले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 120 क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप उसे पहले देख लीजिएगा। अब मैं आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि हिंदी मीडियम वालों को क्यों उन्हें समझ नहीं आ रहा था, तो उनके लिए हिंदी मीडियम में अभी 50 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ और बाकी जो और क्वेश्चन है उससे अगली वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, मैक्सिमम 1 वीक मैक्सिमम मान के चलो हो जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको वो भी अपडेट मिलेगी। और कुछ चैप्टर्स के मैंने वीडियो जानबूझ के कुछ चैप्टर के जानबूझ के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड नहीं किए, इसलिए मैं नहीं टाइप किए। उसके पीछे रीज़न है कि उन चैप्टर वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और सॉल्यूशन करवा के चैनल पर डाल रहा हूँ, तो आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसलिए जैसे मैंने एपी के कम क्वेश्चन लिखे हैं, एपी के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, पॉलीनोमियल्स के क्वेश्चन लिखे हैं, उसके बाद मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कुछ ही लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत सारे नहीं लिखे हैं। तो इन चैप्टर के क्वेश्चन आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उनको फॉलो कीजिए, आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। क्योंकि सब सारी चीज़ें मैं टाइप टाइप करके देते रहूँ तो आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, आपको सॉल्यूशन भी चाहिए होता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाए आपको, और कुछ मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कर दिया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन पहले से डाल रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से देख लीजिए उसको अगर नहीं आता आपको। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 √2 अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या प्रूव करने वाले जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए और इसको रेडी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के कुछ 100% आएगा, 100% हर बार आता है। इस साल भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था, आते रहता है ये। तो ये तो मैंने एक छोटे से एग्जांपल के लिए लिख दिया कि √2 आने को यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √2 + √5 हो सकता है। तो उसके लिए आप रेडी रहिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और नहीं आता तो बताइए। वैसे मैंने SA1 में फर्स्ट चैप्टर कराया नहीं था, तो अगर प्रॉब्लम होगी तो अभी SA2 में टाइम है बोर्ड एग्जाम्स में, उससे पहले मैं करा दूंगा। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए आप, बस चैनल से जुड़े रहिए, जो भी अपलोड करूँ उसे फॉलो करते रहिए। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरा करा दिया, अब ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा और सर्कल्स चल रहा है अभी, उसके बाद और भी जो चैप्टर्स हैं वो भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। काफ़ी चैप्टर्स मैंने पहले से अपलोड भी कर रखे हैं और इंग्लिश की वीडियोज़ भी हैं, SST की वीडियोज़ भी हैं। सेकेंड क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में है, जहाँ की कोई पूर्णांक है। NCERT का क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, पूर्णांक को 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, SCF इसको बोलते हैं। इसको 65m + 117n के रूप में व्यक्त कीजिए, इसमें m और n की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, बट आप अगर आता है तो ही सिंपल है, नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम होगी। ट्राई कीजिएगा, RD शर्मा का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले, मैंने लास्ट में इसके सबके आंसर की भी प्रोवाइड की है। तो आप लास्ट में वीडियो के एंड तक देखेंगे तो लास्ट में सबके आंसर की आपको मिल जाएगी, सॉल्यूशन नहीं है बट आंसर की है, जिसे आप खुद करने के बाद आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी आंसर की में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे एक बार दोबारा चेक कर लूँगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रह जाता है। अब शेषफल 5 रह जाता हर स्थिति में, जब ऐसे कोई नंबर है जो इससे इसको डिवाइड करेंगे ना तो हर बार 5 बचेगा। तो एक काम करो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 5 को दोनों में से घटा लो, दोनों में से 5 घटा लो। अब जो नंबर होगा वो तो डिविजिबल होगा, तो अब इसका और डिविजिबल क्या होगा, तो उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी, बड़ी से बड़ी संख्या जो उसको डिवाइड कर दे, तो आप इसका SF ले लीजिए। SF करेंगे आप महत्तम समापवर्तक, यानी उसी को SF बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक SF करेंगे आप तो 16 आंसर आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले शेषफल को घटा लीजिएगा, ओके। और पांचवा क्वेश्चन तो इजी है, दो संख्याओं का SF दे रखा है, LCM दे रखा है, एक नंबर भी दे रखा है, सेकंड नंबर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू SF मल्टीप्लाई LCM, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SF, यानी कि क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक मल्टीप्लाई में लघुत्तम समापवर्तक, ओके। इसका आंसर आ जाएगा, इसका लास्ट में आंसर की ऑलरेडी गिवन है। सिक्स क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, सेवन्थ क्वेश्चन, ये मैंने इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए ना ताकि इससे ना आपका पूरा चैप्टर कवर हो सकते हैं, उसके जो जीस्ट होता है ना, निचोड़ जो होता है उसका, वो कवर हो सके अगर आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी भी है और कुछ बहुत टफ भी है, लेकिन जितने भी टफ है सबका सॉल्यूशन मैं चैनल पर अपलोड करूँगा। तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करते रहिएगा और चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेगी, इसलिए बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद दे रखा है इसमें, उसके शून्य ज्ञात करने थे तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो इस ये सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल के मैं वीडियो अपलोड मैंने पहले ही कर रखा है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं।
एट्थ क्वेश्चन भी ये भी सेम सॉल्यूशन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने दो वीडियो अपलोड करके दो पार्ट, आप पॉलीनोमियल वाली वीडियो में जाइए और जो वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लीजिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फॉर्मूला भी पहले डिस्क्राइब किया हुआ और फिर मैंने 7-8 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रखे हैं इसके। 9th क्वेश्चन जो है, देखो ये 9th क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर बच्चों से बोला था, 20 साल अभी SA1 के लिए भी बोला था, और आपने अगर देखा होगा तो SA1 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिल्ली के स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए आप जो भी बता रहा हूँ उसे करते जाए, प्रैक्टिस करते जाए। साथ साथ मैं मॉक टेस्ट और जो अपने इंस्टीट्यूट में लेता हूँ उन मॉक टेस्ट की PDF भी अपलोड करूँगा, वीडियो में अपलोड कर दूँगा, उसके साथ साथ अगर आप बोलेंगे तो PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे बोर्ड का एग्जाम आता है बिल्कुल उसी पैटर्न पे पेपर बना के टेस्ट होता है, तो वो आपके लिए मिल जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलता रहेगा। पहले मैंने SA1 के लिए भी प्रोवाइड किया था और बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली उससे, अब SA2 के लिए भी करूँगा। 9th का अपलोड कर दिया, 10th का भी बस 1-2 दिन में हो जाएगा अपलोड। 10th क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है, तो उसको भी रेडी करके रख लीजिए, इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और नहीं आता तो इसको बताइएगा, मैं बता दूंगा, करवा दूंगा इसे। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, और 11th में ग्राफ बनाना था, ये तो ईजी है, ग्राफ बना के उसके बाद जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बताना था आपको। 12th क्वेश्चन, इसका मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ 1-2 दिन में, इसको देख लीजिएगा। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करना, विलोपन से, ओके, विलोपन विधि से करेंगे तो आप इसमें बहुत लंबा टाइम लगाएंगे, लेकिन इसका एक कुछ खास फंडा होता है ऐसे क्वेश्चनों को करने का, तो उसे मैं बताऊंगा आपको। आप उसके बाद देखना, मैक्सिमम 1-2 मिनट लगाओगे और इस क्वेश्चन को कर दोगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करूँ तो उसे सेकेंडों में हम निकाल देंगे, लेकिन ना आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इस वजह से 1-2 मिनट मैक्सिमम, नहीं तो अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगाएंगे, मल्टीप्लाई इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी ना। तो 12th क्वेश्चन भी बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन। 13th ही जी कर सकते हैं, इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, वज्रगुणन विधि वो लगाएंगे, या त्रिगुणा जिसे बोलते हैं, तो वज्रगुणन लगाएंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें b1 upon b2 c1 upon c2 a1 upon a2 और b1 upon b2, फिर उसे लिख के आपस में मल्टीप्लाई करते तो x y और 1 के फॉर्मेशन में फॉर्मूला बनता है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी x y z की वैल्यू निकाल ली है आपको, और इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है, दोनों का एक ही वीडियो में दोनों का अपलोड कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देख लीजिए। ये थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन है, थर्ड चैप्टर की वीडियोज में अपलोड कर रखा है मैंने, ओके, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 15th क्वेश्चन ईजी था, अनंत हल के लिए बोला था, तो इसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 और इक्वल टू c1 upon c2 कंडीशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। 16th भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखिए, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इन धीरे धीरे मैं सबकी वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा, चिंता ना करो, जो मैंने SA1 में नहीं कराया, क्योंकि SA1 में अभी हाल फिलहाल में चैनल पे एक्टिव हुआ मैं, लगभग 3-4 महीने पहले चैनल तो बना हुआ पहले का है, लेकिन वो पड़ा हुआ था वैसे ही, तो अब फटाफट जो भी है, अब मैं काफ़ी चीज़ें काफ़ी चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ और लगातार कर ही रहा हूँ, डेली वीडियो जा रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चिंता मत करो। 17th क्वेश्चन, ये 2-डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या वाला, और इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में हर साल आता है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका मैं भी ट्रिक सॉल्यूशन, क्योंकि अभी बच्चे 10th के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं चैनल पर जो पॉलिटेक्निक एग्जाम देने वाले हैं या क्वांटिटी एग्जाम देते हैं, तो उसका ट्रिक वाइज कैसे, मतलब वहाँ पर तो MCQ क्वेश्चन होता है, तो MCQ एग्जाम हम कैसे जल्दी अटैम्प्ट कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं, डिटेल सॉल्यूशन, ओके। 18th ईजी है, हो जाएगा, भिन्न को, भिन्न यानी भिन्न का मतलब रैशनल नंबर, दसवें नंबर में एक आंसर होगा, एक हर होगा, एक को एक्स मान लीजिए, एक को वाई, उसके बाद सॉल्यूशन कर दीजिएगा, हो जाएगा। 19th क्वेश्चन जो है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला जो है, ये हर बार आता है, इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, और ये आते ही रहता है, तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इसका फंडा जो है उसे भी आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से और हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लंबा होता है, बट ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हो जाएगा। 20 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे ट्राई कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो NCERT तो आपको करनी है, NCERT बिल्कुल करनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसे ही करना है, NCERT तो करनी है, NCERT के अलावा जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, अगर आपको टॉपर्स बनना है, आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा अलग से आ गए तो आप समझ लो फिर कि आपके मार्क्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधे 10-15 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, और 10th के बाद उसके बाद हालत पता है ना, एडमिशन लेने के लिए कितनी प्रॉब्लम होती है, इसलिए NCERT करने के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और जो मैं एक्स्ट्रा अपलोड कर रहा हूँ वो करो, साथ में जो पेपर्स अपलोड करूँगा उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अभी लास्ट ईयर
टेंथ का रिजल्ट आपने देखा है, मैंने बताया कई वीडियोज़ में भी बताया, या FB पे देख सकते हैं, FB ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा, जिसमें एपेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से सर्च करेंगे मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में। तो उसमें बच्चों के 99 मार्क्स भी आए हैं, 99 एक बच्चे के, दो के, एक के 98, दो के 97, तो 90 वाले इस तरीके से काफ़ी सारे बच्चे थे। वो तो एक आध क्वेश्चन उन्होंने कैलकुलेशन गलत कर दी थी, नहीं तो वो भी हो जाता आराम से, 100 पूरा होता। इस बार टारगेट 100 का रखा, देखते हैं क्या कहाँ तक पहुँचते हैं मिशन। क्वेश्चन नंबर 22 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसका सॉल्यूशन काफ़ी लंबा सॉल्यूशन है, तो उसको मैं दूसरे मेथड से अपलोड करने वाला हूँ इसको भी एक दो दिन में, क्योंकि काफ़ी डिमांड है इसकी। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसकी वीडियो में पहले डाल चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पूरी वीडियो डाल रखी है मैंने 4th चैप्टर की, तो आप उसे देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। बट एक क्वेश्चन ही इकलौता बचा हुआ है जिसको मैंने नहीं कर रखा है अभी, तो बच्चे बोले ये वाला भी करा दो, तो मैं उसे भी करा दूंगा एक दो दिन में। तो सारा एक ही दिन में तो होता नहीं है, क्योंकि एक ही दिन में मेरा तो मन बहुत करता है कि मैं एक ही दिन में सब पढ़ा पढ़ा के खत्म कर दूँ, लेकिन एक दिन में पॉसिबल ना मैं पढ़ा सकता हूँ ना आप पढ़ सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई साल आया हुआ ये, पिछले लास्ट ईयर भी आया था, इस साल नहीं आया था, तो मे बी आप क्या पता इस साल आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23 NCERT का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसके कई सारे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं, और आप देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ, एक बार आपने देख लिया तो दोबारा आप कभी भूलेंगे नहीं और कभी गलत नहीं करेंगे, ये गारंटी है। 3-4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, या ऊपर आई का सिंबल नज़र आ रहा होगा ना, वहाँ से आप प्ले लिस्ट में चले जाइए और वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इस टाइप का भी क्वेश्चन SA1 में भी आया और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बस SA1 में जो आया था वो क्वेश्चन था जो मैंने पहले इंग्लिश वाली वीडियो में अपलोड कर रखा, वो सेम नंबर था, बट यहाँ पे मैंने नंबर चेंज करके दूसरा क्वेश्चन बना के दिया आपको। ओके 26 लास्ट ईयर आया, उससे लास्ट ईयर भी आया, लास्ट ईयर प्री बोर्ड में आया, बट इस साल नहीं आया था 2018 में, मे बी इस साल आ जाए, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं कि जैसे जब भी बोलता है तो समान मूल है, समान नहीं है, ध्यान रखना समान है, थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो सकता है क्योंकि हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है, आपको पता है ना हिंदी में टाइपिंग, इसलिए तो किसी चैनल पर हिंदी में जल्दी आपको मिलता नहीं कंटेंट, आपने नोटिस किया होगा हिंदी कंटेंट नहीं मिलता जल्दी, बट आपकी डिमांड पर मैंने ट्राई किया है कि हिंदी में अपलोड करूँ, ये समान नहीं है, समान है। ओके तो मूल समान जैसे ही बोला जाएगा इसका मतलब आपको डी वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि डी जो होता है डी इक्वल टू जीरो, मूल समान होने का मतलब उसके दो अलग दो रूट्स आएंगे और दोनों से इक्वल होंगे, तो डी इक्वल टू जीरो होगा उसके इसमें, और डी जैसे जीरो होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4AC का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, अपने आप पे प्रूव हो जाएगा। ये ध्यान रखना ये 1 है, 1+m² और यहाँ पे भी आगे 1+m² है। ओके क्वेश्चन नंबर 27 ये लास्ट ईयर प्री बोर्ड में था, प्राइवेट स्कूल में भी था ये लास्ट ईयर, और उससे पिछले साल शायद बोर्ड में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, कई क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और सबका मेथड जो है ना सेम ही होता है। इसको मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ वीडियो, क्योंकि इसमें मैं पहले बता चुका था, लेकिन वो वीडियो जो है मैंने हटा दी थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं थी, तो उसका सॉल्यूशन तो था चैनल पे बट वो हटा दिया मैंने, इसकी क्लियरिटी नहीं थी, दोबारा मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड करूँगा, और आपको आता तो आप खुद ट्राई कर लीजिए, ईजी है, हो जाएगा। 28 ये लास्ट ईयर आया बोर्ड में, इस साल भी आया इस टाइप का क्वेश्चन, और 29 अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए, अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हिलाने वाला क्वेश्चन है अगर बच्चों को समझ नहीं आया तो। 30 तो ईजी है, हो जाएगा, 30 RD शर्मा का क्वेश्चन है, 29 भी RD शर्मा का है लेकिन एग्जाम्स में आ चुका है, ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन, अगर कोई ये कहता है कि सारे क्वेश्चन जो है ना कुछ क्वेश्चन इतने टफ लगेंगे बच्चों को, वो लगेंगे कि इररेलीवेंट है, ध्यान रखना एक भी क्वेश्चन इररेलीवेंट नहीं है, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। ओके और 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हॉट्स में जो इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैंने डाल दिए हैं जानबूझ के अलग से। 31 इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, तो बिल्कुल इसको भी रेडी कर लीजिए, इसको बिल्कुल तैयार रखिए एकदम अच्छे से, दो नल वाले जो भी क्वेश्चन मिले आपको नंबर्स अलग अलग भी रेडी कर लीजिए, और बाकी और क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने ना आपको, अभी तो मैंने हिंदी में तो अपलोड नहीं किए बट इंग्लिश वाला अपलोड कर रखा, आप उसमें से देख सकते हो, वहाँ पे 120 क्वेश्चन हैं, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 ये 32 इसी तरीके से है क्वेश्चन, जैसे 27 था ना यूट वाला, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 32 इक्वेशन जो बनेगी तो दोनों में लास्ट में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सेम ही हो जाएगा, 32 को ट्राई कीजिए, बड़ा क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है बट बहुत बड़ा भी नहीं है। 33 34 मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैंने पहले से, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर रखे हैं चैनल पे, आप देखेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा, तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से चैनल प्लेलिस्ट है
चैनल पे, वहाँ जाइए प्लेलिस्ट में और इसे देख लीजिए। इसके सारे सॉल्यूशन मैंने बता रखे किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, और एक बार देखने के बाद अगर आपने वीडियो ध्यान से देख ली ना तो आपका कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 इसी साल बोर्ड में आया हुआ है, और ये लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों से कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है या आरडी शर्मा में, और ये देखो इस साल आया भी था। अगर बच्चों के मेरे पास 99 मार्क्स आए हैं तो उसके पीछे रीजन ये है कि बच्चों ने एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे करे हैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से ही फायदा हुआ है। दो चार क्वेश्चन जो भी एक्स्ट्रा होते हैं अगर वही आपको नहीं आते होंगे एग्जाम में तो आप फंस जाओगे। हाँ, अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर तो आप एनसीईआरटी कर लो, मैं ज़्यादा फिर नहीं बोलूँगा कि आप इसी की प्रैक्टिस करो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो काफ़ी है, पास हो जाओगे। लेकिन आपको टॉपर्स में बनना है, टॉपर बनना है, अगर नंबर्स अच्छे लाने हैं तो फिर तो उस केस में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो एपी का मैंने एपी के बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करके आप उसे देख सकते हो। 37 भी एपी का है, इसमें अगर आप फार्मूला लगाना चाहें तो फार्मूला लगा लीजिए, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको पहले वाली वैल्यू को ए बोलेंगे, इसको दूसरे को बी और तीसरे को सी। ओके, तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, या फिर आप ऐसा कर लीजिए अगर एपी में है तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो ए टू माइनस ए वन निकाल लीजिए और ए थ्री माइनस ए टू निकाल लीजिए, दोनों को इक्वल में रखें, क्योंकि एपी में है तो डिफरेंस तो सेम होगा, डी तो सेम होगा। तो ए टू माइनस ए वन इक्वल टू में ए थ्री माइनस ए टू, आंसर सॉल्व करेंगे मेरे ख्याल से 6 आंसर आ जाएगा इसका। लास्ट में आंसर तो दे ही रखा मैंने, अब देख लेना। 38 भी एपी चैप्टर का है और ये भी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। 39 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही है, लेकिन आप ट्राई करके देखना होता है नहीं होता आपसे। क्वेश्चन नंबर 40 में स्टार्टिंग में 7 पदों का योग दे रखा है और फिर अगले 7 पदों का दे रखा है और 2800 पद निकाले हैं, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इस क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये 1 से 7 है फिर, और फिर 8 से 14 पदों का योग है। ओके, ऐसा मत समझना कि पहले S7 निकालें और S14, S14 तो निकालेंगे, लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगले 7 का है तो आप S14 में से पहले S7 घटाओगे, उसके बाद अगले 8 जो पद है ना, 8 से लेकर 14 तक उनका योग आएगा, उसके बाद सॉल्यूशन होगा। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ट्राई करना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, क्योंकि मैंने हर चैप्टर के डाले, मैंने आपको पहले बता दिए कि मैंने 50 क्वेश्चन डाले और बाकी जो बच गए हैं वो बाकी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आप चैनल से जुड़े रहें, ताकि मैंने 50 के लिए डाल दिया ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें। ओके, नहीं तो अगर ये मैं सारे एक साथ के चक्कर में रहता आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते, और टाइम ख़राब करने से अच्छा है कि पहले से प्रैक्टिस करते रहिए आप। अभी 41 हाइट एंड डिस्टेंस का है, इसके ट्रिक तो मैंने सारे शॉर्टकट्स तो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो अगर अभी कभी हाइट एंड डिस्टेंस का शॉर्टकट सीखने का मन करें तो शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देखिए बहुत सारे ट्रिक्स डाल रखे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस तो पूरा ही कर रखा है उसमें, और बाकी डिटेल भी मैं जल्दी चैप्टर अपलोड करूँगा पूरा सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन। शॉर्ट ट्रिक में तो बहुत आसान है, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही आसान है। ये 42 इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर रखा मैंने, डिटेल सॉल्यूशन भी और ट्रिक में भी, तो शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो में मिलेगा आपको 42 जो है इसका, वहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर 120 आएगा। 43 भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, और ये 2012-13-14 में लगातार आया था, लेकिन उसके बाद फिर 1-2 साल से नहीं आया है, मे बी साल रिपीट कर दें वो लोग, कि CBSE भी हर बार 1-2 साल गैप करके तब क्वेश्चन रिपीट करती है। 44 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर रखा है, तो प्रोबेबिलिटी वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखिए, वहाँ पे आपको 2 डिजिट नंबर वाले भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, लीप ईयर वाले क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन भी मैंने कुछ कर रखे हैं जिसमें समझा रखा है। कार्ड्स के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है कौन से पत्ते क्या होते, तो कार्ड्स की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, उस वीडियो को देखने के बाद आपका कार्ड वाले एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, फुल गारंटी है, कार्ड वाली सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी, तो एक बार देखना ज़रूर। 45 तो इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसे, NCERT का क्वेश्चन है ये, शायद डाटा चेंज कर दिया मैंने, नहीं तो बाकी क्वेश्चन सेम है। 46 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है, थीटा इसमें 15 डिग्री दे रखा है, लेकिन 15 डिग्री की वैल्यू आप ये यूज़ कर सकते हो। बाकी इसका अगर ट्रिक सीखना, शॉर्टकट सीखना है कि आपको जल्दी कैसे कर सकते हैं आप, इसका आंसर 5 होगा, मैं तो देख के बता सकता हूँ क्वेश्चन को। ओके, तो आप इसका ना जो मैंने शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रखा है हाइट एंड डिस्टेंस का, एक बार उसे देख लेना, उसमें देखना लास्ट में मैंने कर रखा है इस क्वेश्चन को, एंड में है वो वीडियो के, और वहाँ पे देखना कितने सिंपल तरीके से मैंने निकाला हुआ है, आप भी वो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ना थीटा की वैल्यू दे रखी है 10-15 डिग्री की, तो इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा, और थीटा की वैल्यू नहीं देते ना तो वो कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं जो मैंने वहाँ लगाया हुआ है, तो एक बार जरूर देखना उस वीडियो को। 47 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो, इस बार आसानी से हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में आप पढ़ोगे और इसमें देखोगे ध्यान से, तो 5 लाल गेंद दे रखी है और कुछ नीली गेंद है, कुछ और भी कलर की गेंद हो सकती है, और दुगना बोला है तो आंसर जो होगा ना नीली गेंद का दुगना ही आएगा, 10 आएगा आंसर, अगर तिगुना बोलेगा तो 15 आएगा, लेकिन आप सॉल्यूशन करके देखना, हो
होता है तो ठीक है, नहीं तो बताना मुझे। 48 इसका सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो 48 को आप प्लेलिस्ट में देख लेना अगर नहीं आता तो। 49 भी कर रखा है, और 50 अभी नहीं किया है, वो भी एक दो दिन में हो जाएगा। ठीक है, 2-4 दिन में, मतलब एक सप्ताह में, लगभग 1 से 10 सप्ताह 10 दिन में इस धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूँगा। मैं डेली वीडियो डाल ही रहा हूँ, कुछ लोग शायद परेशान भी होंगे कि इतनी सारी वीडियो रोज़ आते रहती है, लेकिन मुझे मजबूरी के चैनल पे कंटेंट कम था तो आप लोग भी बोलते थे, तो इसलिए अब मैंने कंटेंट पूरा कर दिया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, पहले आंसर की तो मैं दिखा दूँ आपको। अब वीडियो को देखा है तो अपने लाइक ज़रूर करना, इतनी मेहनत से मैंने टाइप भी किया है, तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हो, लाइक करना, दूसरों को शेयर करना। ओके, सारी आंसर की मैंने डाल दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं इसके पीडीएफ नहीं डालूंगा, बट अभी जब इसके पूरे और क्वेश्चन भी कर दूंगा ना कंप्लीट, जब इसके 100 क्वेश्चन पूरे कर दूंगा, 100-120 क्वेश्चन जो भी मुझे करने हैं इंपॉर्टेंट, सारे चैप्टर्स के कवर कर लूँगा, तो मैं इस वीडियो को हटा दूंगा, ध्यान रखना, इस वीडियो को हटा दूंगा, और उसके बाद वो वीडियो डालूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे एक साथ। ये इतने 50 तो ऐसे रहेंगे यहाँ तक के, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर दूंगा, या फिर ऐसा कर लूँगा कि 51 से आगे की जो वीडियो होगी वो अलग से बना दूंगा, और फिर एक साथ इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा। तब तक आप इसी से काम चलाइए, एक साथ पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, उसका प्रिंट आप निकाल के कहीं पर भी आप रहते हैं दिल्ली के किसी भी कोने में या कहीं भी किसी भी स्टेट में, तो आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।